आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हेलो स्टूडेंट तो यहाँ पर हमको गिवन है ट्यूनिंग फोक जो कि वाइब्रेट कर रहा है एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 फिफ्टी तो यहाँ लिख हैं जो हमारा म्यू है जिसको हमारा डिक्लेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा है उसकी वैल्यू है 256 फिफ्टी सिक्स म्यू हमारा फ्रिक्वेंसी है ओके हमको पहले पार्ट ए पार्ट में पूछा गया है कि वेन द एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ओके okay, तो द वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द ट्यूनिंग फोक मतलब वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैमडा से ओके वेवलेंथ ऑफ द साउंड क्या क्या इंक्रीज करेगी रिमेन द सेम है डिक्रीज करेगी ओके okay, तो देखो सबसे पहले हमको एक बात जाननी है यहाँ पे वो ये है कि हमारा जो कि पूरा जो सेटअप है वो एक्चुअली एयर में है ठीक है और एयर में हमारे साउंड की लॉसिटी कितनी होती है वी इक्वल टू हमारी वेव लॉस होती है वो होती है थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड ओके अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे मतलब हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं हाँ जो कि स्पेसिफिकली बोला हो यहाँ पर तो उससे क्या होगा हमारी जो वेव लॉसिटी यहाँ पर वो भी इंक्रीज़ करेगी ठीक है और तो तुम्हें पता है कि जो हमारे टेम्परेचर कॉपीशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड फॉर वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज ओके अब देखो अगर तो मैं यहाँ पर वेव लॉसिंग का अपना एक्सप्रेशन लिख लूँ वी इक्वल टू लैमडा इंटू न्यू सॉरी ये तो नहीं हो गया लैमडा इंटू न्यू ठीक है तो यहां से देखो एक बात तो कन्फर्म है कि अगर ये न्यू जो फ्रिक्वेंसी है कॉन्स्टेंट वैल्यू है ठीक है यहाँ पे ओके okay. और यहाँ पे जो वी की वैल्यू अगर बढ़ रही है सपोज करो यहाँ से वी हो गया थ्री फोर्टी से थ्री फोर्टी पॉइंट सिक्सटी वन से बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है okay. ओके तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है बिकॉज हमारी जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे वेलोसिटी के राइट तो उसकी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी ताकि ये बिकॉज यहाँ तो हमारा तो जो न्यू है हमारा वो तो कॉन्सेंट है ठीक है अब इसके इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज होगा ताकि लैमडा हमारे वी के न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज को अडेप्ट कर सके ठीक है तो लैमडा भी इंक्रीज होता रहेगा तो ये भी वैल्यू इंक्रीज ही होगी ओके तो इसका आंसर है द वेव लेंथ साउंड फ्रॉम डूनिंग फोर्क विल इंक्रीज अब और बताया ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है अब हमको बी पार्ट में चलते हैं बी पार्ट में पूछा गया है कि इफ द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम जीरो टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वॉट इज द चेंज इन वेव ठीक है तो देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमको ज़ीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है ठीक है उसकी वैल्यू पता है दैट इज थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड ओके हमको क्या करना है हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस निकालना है ओके और फिर इस वेलोसिटी को यूज़ करना है हमारे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे फॉर द फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी हमको जहाँ पता लग जाएगी ताकि हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकें ओके okay. सॉरी हमको चेंज इन वेवलेंथ निकालना है ठीक है तो यहाँ पहले हमको इनिशियल वेवलेंथ भी निकालनी पड़ेगी जो कि हमारे यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस पे होगी राइट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो इनिशियल वेवलेंथ है ठीक है एट जीरो डिग्री सेल्सियस वो निकाल लेते हैं यहाँ पे तो अगर थोड़ा सा नीचे लिख लें यहाँ पे दो तो वेवलेंथ एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है वो आएगा हमारे पास वी म्यू से ओके जो ऊपर स्क्शन था हमको वेव का हमने उसको सिंपली वीवा म्यू लिख लिया लैम्डा के फॉर्म में ओके और v की वैल्यू है एट जीरो डिग्री सेल्सियस है थर्टी वन मीटर पर सेकेंड ठीक थर्टी वन थर्टी वन मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी हमारे पास है टू फिफ्टी सिक्स हर्ट्स तो उसको मैं उसके एस आई बेस यूनिट्स मिल देता हूँ वह इनवर्स ठीक है सेकेंडर्स सेकंड के यहाँ से तो यहाँ से वेवलंत है हमारे पास एट जीरो डिग्री सेल्सियस वन पॉइंट टू नाइन मीटर्स फाइन अब उसके बाद बात करते हैं वेवलंत एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ओके से देखो पहले से तो हमको वेवलंत हमको वेवलंत निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए होगी ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे तो इसका जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो इस तरह से होता है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी एट अ टेम्परेचर टेंपरेचर टी ठीक है तो वेलोसिटी एट टेंपरेचर टी ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस को निकालनी है तो विलोरोस कितना थ्री थर्टी वन प्लस बैकेट में जीरो पॉइंट सिक्स वन जो कि टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होता है इंटू ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी इक्वल टू थ्री फोर्टी थ्री पॉइंट टू ठीक है तो ये हमारे पास वेलोसिटी है एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है तो यहाँ हम नीचे निकाल लेते हैं वेवलेंथ एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस जो क्या आएगी वेलोसिटी एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस अपॉन म्यू न्यू ओके तो ये आएगा हमारे पास थ्री फोर्टी थ्री पॉइंट टू अपॉन टू फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फोर जीरो मीटर्स ठीक है तो अब ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस चेंज होने पे जो हमारा वेवलेंथ में चेंज आया है लेमडा ट्वेंटी माइनस लैमडा जीरो कहते हैं डेल्टा लैमडा अब चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस माइनस वेवलेंथ है जीरो डिग्री सेल्सियस

आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ